जनगणना की याद आ रही है, क्या जो कुछ पिछड़ों के वोट की गई है? पर ये तो प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, हम सब लोग पिछले चार महीने से कह रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध किया, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उसे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले, और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया है मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी।